संगम विहार में गली नंबर 8 का हाल लंबे समय से बुरा है। गली गहरी और सकरी होने के कारण विकास कार्य भी नहीं हो पाता है। वहीं बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भर जाता है, जो कई दिनों तक भरा रहता है। लोग कई बार इलाके के जनप्रतिनिधियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग 200 घरों वाली यह गली बेहद खराब स्थिति में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 15 सालों से यह गली उपेक्षित पड़ी हुई है। गली इतनी गहरी है कि ऊपर चढ़ते हुए लोग कई बार गिर चुके हैं और उनके हाथ पैर टूट गए हैं। इस गली में अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो उन्हें अस्पताल पहुंचाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। बिहार गली नंबर 8 है और ये इस गली में बहुत सारी परेशानी है। बहुत नीचे की गली है ये और यहाँ पर इस गली में लोग आते जाते बहुत गिर रहे हैं, लोगों के पैर टूट रहे हैं। लेकिन पिछले 6 महीना से इसमें मलबा थोड़ा दूर डाल के और उसके बाद यहाँ पर में रोड नहीं बनाया जा रहा है। लोग परेशान होकर के आम आदमी पार्टी दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर में सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है। हम यहाँ पर में लोगों से बात करेंगे कि यहाँ की क्या समस्या है और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर में इस गली में लोगों की बाइक चोरी हो रही है और बाइक से पेट्रोल भी चोरी हो रही है। चलिए हम यहाँ पर में बात करते हैं। घर में पानी भर गया और करंट उतर गया और उसी पानी में हम लोग उतर गए। मैं भगवान को कहते हैं तो हम लोग चारों आदमी घर में ही रह गए होते। ऐसी इस गली की नौबत है। 15 साल से इस गली में एक भी रोड़ी पड़ नहीं रही है। 15 साल हो गए इस गली में एक रोड़ी नहीं पड़ रही है। इतनी हम लोग परेशान है। 15 साल पूरी हो गई है। इस गली में एक कंकरी नहीं किसी ने भी डलवाई। अच्छा, हाथ पैर टूट जाते हैं, चलेंगे तो कितनी लगेगी चोट। अच्छा, ये देखिए। हाँ हाँ ठीक है। ये काफी नीचे है यहाँ पर। पूरी मतलब संगम बिहार का पानी इधर आ जाता है। अच्छा, छोटी गली है, फिर ये घरों में भरता है, फिर परेशान होते हैं बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सब तोड़ देंगे तो डालो तुम हाथ जोड़ के डालो, कुछ पैसे हम भी देंगे। ये तक बोला इनसे किसी ने नहीं, कोई नहीं सुन रहा। पूछो। अच्छा, बताइए क्या गली में क्या दिक्कत है? हम इतनी परेशानी, ये दिक्कत तो दिख ही रही है। देखो क्या हाल हो रहा है। दिक्कत तो नहीं है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर रहे, गाड़ियाँ चोरी हो रही, पंचर हो रहे हैं, पेट्रोल निकल रहा है और हर रोज क्या कह कर थक गए। 5 महीने तो बिल्कुल रेगुलर हो गए जाते। पर जिस दिन जाते हैं उस दिन एक रिक्शा भर लाते हैं, गिर जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 8 दिन की 10 दिन की फिर छुट्टी, फिर जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक बताओ कितनी गहरी गली है, क्या हाल होएगा। लास्ट निकलवा दूंगा, पानी निकलवा दूंगा। किसी ने नहीं निकलवाया, अपने आप निकलवाया, अपने आप निकलवाया। जीतू क्या आए नहीं, जीतू भी कई बार आए, देख के चले जाते हैं, कोई भी कुछ करते नहीं है। नहीं। अब आप यही देखिए, 5-6 महीने से रेगुलर जा रहे हैं, क्या किया, जितना मलबा पड़ा है बस ये मलबा पड़ा है, तो इसे अच्छा तो उसे भी उठा ले जाए, क्या करें। देखिए जो गली है उसमें कोई भी गाड़ी या मलबे की या मटेरियल की कोई भी गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है। कई बार कोशिश की है, मैं खुद भी उस गली में कई बार गया हूँ, लोगों से भी बात किया, लोगों ने कहीं कहीं पे जो छज्जे वगैरह लोगों के आ रहे थे वो भी हटाए शुरू के, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी अंदर तक नहीं जा पा रही है। तो अब लास्ट अभी भी मैंने बात करी है कॉन्ट्रेक्टर से, यही से, तो उसमें मैनुअली मलबा डालने का काम शुरू करेंगे और अगले 1-2 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। गली की सिचुएशन थोड़ी ऐसी है, बहुत ज़्यादा फिलिंग भी बहुत होनी है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है वो गली और एंट्रेंस कहीं से है नहीं, किसी भी प्रकार की कोई व्हीकल उसमें ट्रैक्टर या कोई गाड़ी नहीं जा सकती मटेरियल की, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो है। पेंट कराएंगे, उसमें काम जल्दी शुरू हो जाएगा, उस गली को भी बनाकर। यह गली संगम विहार की निचली गली है। इस गली में यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पूरे संगम विहार का पानी यहीं पे आके जमा हो जाता है और लोगों का जीना मुश्किल है। ये निगम पार्षद के पास और विधायक दिनेश मोहनिया के पास ये लोग पिछले 1 साल से जा रहे हैं, लेकिन ये इनकी गली का काम नहीं हो पा रहा है। पिछले 5 महीने से
थोड़ा सा मलबा डाल करके छोड़ दिया गया है और ये काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लोगों की बाइक चोरी हो रही है, बाइक से पेट्रोल चोरी हो रही है, काफी असुरक्षित माहौल में लोग यहाँ पर जी रहे हैं। मनोज मनु, ETV भारत, दिल्ली।